नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फरीद सिद्दीकी, 99 न्यूज़ वॉइस ऑफ इंडिया में आपका खैर मकदम करता हूँ। संगारेड्डी जिला कोहिर मंडल के मदरी गांव में आज कांग्रेस पार्टी के दफातर में कांग्रेस के निशान परचम कुशाई की गई। इस मौके पर मेहमान खसूसी की हैसियत से सदर कोहिर मंडल कांग्रेस श्री रामलिंगा रेड्डी और कोहिर टाउन के सदर जनाब शमशीर अली ने शिरकत की। इस मौके पर कई TRS कारकुन और कारकुन TDP ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। इस पर जनाब कोहिर टाउन सदर जनाब शमशीर अली ने कहा कि TRS हुकूमत अपने वादों से मुकर गई है और वो जिस तरह के वादे किए थी उसमें नाकाम होने के सबब आज TRS के कई कारकुन कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। इसे देखते हुए ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले वक्त में तेलंगाना हुकूमत बरकरार नहीं रहेगी। कांग्रेस ही एक वाहिद ऐसी हुकूमत है जो आज़ादी के बाद से आज तक एक ऐसी जमात है जिसने हर तबके से ताल्लुक रखा और हर तबके के लिए काम किया, और कांग्रेस एक सेक्युलर जमात है जो आवाम आज अच्छी तरीके से जान गई है। आवाम जो आज मुश्किलों का सामना कर रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की जीत यकीन है, क्योंकि TRS हुकूमत नौजवानों की कुर्बानियों के बाद तेलंगाना हासिल कर ली और उसके बाद तमाम किए हुए वादों को भूल गई। 12% तहफ़ात की बात की गई, उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। अवकाफ़ी जायदादों के लिए कहा गया, उसे नज़रअंदाज कर दिया गया, और ऐसे कई मसले हैं जिसमें तेलंगाना हुकूमत नाकाम हो रही है। इस मौके पे इनके अलावा जनाब मोहम्मद शौकत अली, मोहम्मद अशरफ अली कॉप्शन मेंबर, अब्दुल सत्तार नायब सरपंच, जनाब मोहसिन फिरदौस सरवर और दिगर सरगरम कारकुन कांग्रेस देखे जा सकते हैं। आइए नाज़रीन इस तकरीब की तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे कैमरामैन अजमत के साथ फैज की एक तफसीली रिपोर्ट। साल को जो है 1 लाख नौजवानों को रोजगार जो है मुहैया करने का इन्होंने वादा किया था। आज मदरी गांव में कांग्रेस पार्टी का झंडा हुआ है, इसमें 70 से 80 लोग जो है TRS और तेलुगु देशम से और उनके खिलाफ कार्यक्रमों से तंग आकर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। मैं उनको वेलकम करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और बड़ी खुशी की बात है उन्होंने जो है सच को पहचान लिया। कांग्रेस पार्टी ही सब कुछ की हुई अब तक जो है कार्यक्रम जितने भी है वो कांग्रेस पार्टी के है। TRS ने कुछ भी नहीं उखाड़ा। TRS जो वादे किए, बोले कि भाई हम जैसा ही तेलंगाना जो है अलहदा होंगे कांग्रेस पार्टी में जम होंगे, KCR का पहला झूठ। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना देने वाली भी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी तेलंगाना लाने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। तेलंगाना जो है KCR की जागीर नहीं है और ना ही उनका कोई इसमें योगदान है। इनका कोई योगदान नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से सोनिया गांधी की तरफ से कि नौजवान जो है बच्चे स्टूडेंट जो है खुदकुशी कर रहे हैं और जो है वो कांग्रेस तेलंगाना के ताल्लुक से जो है ज्यादा जो है जज्बाती है, लिहाजा जो है नौजवानों की कुर्बानियों को याद रख के सोनिया गांधी ने जो है तेलंगाना दिया। तो KCR साहब ने क्या किया, सीधा छुरा जो है पीठ में घोप दिया, बोले कि हम CM हैं। अब जितने वादे KCR साहब ने किए हैं वो कौन से वादे पूरे किए हैं, उस किस जबान से लोगों के पास जाकर वोट पूछेंगे। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को 12% देंगे, 5 साल हुकूमत होने को आ गए हैं, 12% किधर है? हम ये आपसे सवाल कर रहे हैं किधर है? हाँ, मकान और जो है डबल बेडरूम के मकान देंगे आप वादा करें, आज बेडरूम कहाँ है और मकान कहाँ है? खाली फोटो में आप लोगों को जो है पागल बेवकूफ समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है KCR साहब। आपको मालूम होना चाहिए कि अवाम जो है आइंदा इलेक्शन में आपको जवाब देगी, वो कैसा देगी वो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो लिहाजा जो है मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, तेलंगाना पार्टी के जितने भी लीडर हैं वो ज्यादा से ज्यादा झूठ का सहारा ले रहे हैं और बार बार झूठ को दोहरा रहे हैं। उन्होंने अब तक 4 साल में कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या किया है, क्या डेवलपमेंट लाए हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में? कहते हैं कि हम डेवलपमेंट लाए हैं, कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं करी 60-70 साल से। अरे जो लोग कह रहे हैं उन्होंने अब तक कहां थे, कोसी पार्टी में काम कर रहे थे और क्या किया उन्होंने? आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जहराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी जो है आज चमकने वाला है, आने वाला हैदराबाद के बाद जो है बड़ा शहर जहराबाद और हमारा एरिया आ जाएगा, मदरी आएगा, उसमें कोहिर कोहिर
మరియు ఇతర గ్రామాల నుంచి వచ్చిన నాయకులు సర్పంచులు ఈరోజు మద్రి గ్రామంలో టీఆర్ఎస్ నుంచి టీడీపీ నుంచి సుమారుగా 70-80 మంది కార్యకర్తలు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన అభివృద్ధిని చూసి ఈ ప్రభుత్వం 4 సంవత్సరాల నుంచి ఏమి అభివృద్ధి చేసిందో వాళ్ళు తెలుసుకొని ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అందరూ జాయిన్ అయినరు. ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వంలో మొన్న కూడా కోయిలు పెద్ద నాయకులు కొంతమంది ఏమన్నారంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసింది, కానీ మీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏం చేసిందని మీరు ఒకసారి గ్రహించండి. ఏ గ్రామానికి మీరు ఏమిచ్చిండ్రు, ఏ నిధులు ఇచ్చిండ్రు? ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ గీతారెడ్డి వచ్చిన తర్వాతనే మన మండలానికి ప్రతి గ్రామాన సీసీ రోడ్లు వేయడం జరిగింది, మళ్ళీ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ రావడం జరిగింది, నీమ్స్ రావడం జరిగింది, మహేంద్ర రావడం జరిగింది, మరియు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రావడం జరిగింది, బసంత్పూర్లో అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నిక్ రావడం జరిగింది. కానీ మీరున్న ప్రభుత్వంలో మీరు ఏం తెచ్చిందని ఈరోజు మీరు మాట్లాడుతున్నారు? ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద దుమ్మెందుకు ఎదురుపోస్తున్నారు? మీకు చేయశాత కాదు, చేసిన వాళ్ళ మీద ఎందుకు ఇది చేస్తున్నారు? మీరు చేయలేదు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఈరోజు మీరు అంటారా? ఈరోజు చేసింది గీతారెడ్డి, ఈరోజు జేరాబాద్కు న్యాయం చేసింది గీతారెడ్డి, ముందు పెద్ద నాయకులు భాగారెడ్డి గారు, తర్వాత ఈరోజు చేసింది గీతారెడ్డి. కానీ ఈ తిప్పల వరకు వచ్చిన నాయకులు ఎవరు ఏం చేయలేరు, ఈత ముందు కూడా ఏం చేయరు. అది జనాలకు తెలుసు కాబట్టి ఈరోజు అందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవుతున్నారు.